जब किसी भी संख्या का गुणा 11 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है तो उसको कैसे हल करोगे, देखो 253 दोस्तों, दो को लिखा मैंने, दो और तीन पांच हो गए, पांच को बीच में लिखा और तीन का तीन, जब आप 11 का गुणा 23 में करोगे तो आ जाएगा 253। जैसे इधर देखिए दोस्तों, 45 × 11 45 × 11 इसका आंसर क्या आएगा, 4, 4 और 5, 9 और 5 का 5। ये दोस्तों आसान, आप किसी भी संख्या को ले सकते हो, आप 44 × 11 ले लो, 44 × 11 तो 4 का तो 4 आ गया, 4 और 4 हो गया 8 और ये 4 का 4। दूसरी संख्या ले लो, जैसे ये 2 और 3 5 और 2 का 2 और 3 का 3। और दूसरी संख्या ले लो, 7, 6 × 11 ले लो दोस्तों, 76 × 11। अब देखो, अब 11, अब 6 और 7 कितना हो गया 13, तो 13 की आ गई 3, हसी का 1 आया दोस्तों, तो ये हसी का 7 में जुड़ेगा, तो 7 और 1 कितना हो गया 8 और ये 6 का 6। आई बात समझ में, फिर से देखो, जैसे यहाँ पे लिखा 66 × 11 तो हमें पता है कि 6 और 6 = 12 होगा, और 12 की लिखने के 2, हसी का आया 1, जो हसी का आता है वो यहाँ पे आगे जोड़ा जाता है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 और 6 का 6। तो आप बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ऐसी एक और ट्रिक है 5 की, जब किसी भी संख्या में 5 का गुणा आप करोगे, 5 से गुणा करोगे तो उसको कैसे हल करोगे, देखो 4 × 5 4 × 5 तो कितना हल करा 20। ये तो छोटी संख्या, तो आप बता दोगे दोस्तों क्या करना है, सम संख्या यदि है तो सम संख्या का आधा करते हैं, तो 4 का आधा कितना 2, और अगर संख्या सम है तो लगा देते लास्ट में 0। कैसे इधर देखो, जैसे मैंने कहा 4 × 5 थोड़ी बड़ी संख्या थी, तो 4 का आधा कितना हो गया 2, फिर 4 का आधा कितना 2, और 8 का आधा कितना 4, तो लास्ट में लगा दो 0। जब आप 5 का गुणा इस 448 में करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2240। फिर से देखो, जैसे लिया 6 6 4